गुजरात मॉडल के बाद पेश है गुजरात का ईएमआई मॉडल। रिश्वत के पैसों को अधिकारी ले रहे हैं किश्तों में ताकि ना पड़े किसी पर आर्थिक बोझ। अधिकारियों की ये दरियादिली देखकर सोशल मीडिया पर बोल रहे लोग, बंद करो ये रिश्वत का रोग। हमारे साथ देखिए खबर, समझिए पूरी बात। अब अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आपके सिर पर रिश्वत का बोझ नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आप रिश्वत के पैसों को किश्तों में भी दे सकते हैं। मतलब अगर किसी ने रिश्वत में 5 लाख रुपए मांगे तो आपको एक साथ 5 लाख रुपए नहीं देने हैं, इसे आप अपनी सुविधा अनुसार किश्तों में दे सकते हैं। हैरान मत होइए, अभी तक जो आपने खबर में देखा व सुना वो गुजरात में हकीकत में हो रहा है, यानी यहाँ के कुछ भ्रष्ट अधिकारी रिश्वत को किश्तों में ले रहे हैं। आप भी पूरी खबर सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन कई इंच खिसक जाएगी। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के ईएमआई मॉडल की। आज तक आपने गुजरात मॉडल के बारे में तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन शायद ही आपने गुजरात के इस ईएमआई मॉडल के बारे में सुना होगा। लेकिन इस समय गुजरात के इस ईएमआई मॉडल की चर्चा खूब हो रही है। इस मॉडल को लेकर मेरी जानकारी के मुताबिक गुजरात के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने रिश्वत लेने का अनोखा तरीका निकाला है। इस नए मॉडल को इसलिए खोजा गया ताकि रिश्वत देने में किसी को दिक्कत ना हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग भ्रष्ट अधिकारियों को ईएमआई यानी किश्तों में रिश्वत दे भी रहे हैं। इस साल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा ऐसे ही एक या दो नहीं बल्कि 10 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसको लेकर मीडिया में आई खबर के मुताबिक ईएमआई में रिश्वत के पैसे लेने का चलन खूब लोकप्रिय हो रहा है। गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि इस साल अकेले ऐसे 10 मामले सामने आए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बीते मार्च महीने में जीएसटी फर्जी बिलिंग घोटाले में एक व्यक्ति से 21 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें 2 लाख रुपए की 10 किश्तों और 1 लाख रुपए की एक किश्त में उसे पूरा पैसा अधिकारियों को देना था। इससे आरोपी को परेशानी भी ना हो और पूरा रिश्वत का पैसा अधिकारियों को मिल भी जाए। इसी तरह मीडिया में आई खबर के मुताबिक एक और मामला निकलकर सामने आया है, जिसको लेकर जानकारी मिली कि 4 अप्रैल को सूरत में एक उप सरपंच ने एक ग्रामीण के खेत को समतल करवाने के लिए 85,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। उसकी तंग आर्थिक स्थिति को देखते हुए आरोपियों ने थोड़ी सी रहम खाई। उन्होंने उस बेचारे गरीब के सामने ईएमआई का विकल्प दिया। इस हिसाब से उसे 35,000 रुपए पहले और बाकी के बचे पैसे 3 बार में देने को बोला गया। इस तरह और भी मामले का खुलासा किया गया, जिसमें गुजरात के साबरकांठा में भी 2 भ्रष्ट पुलिसकर्मियों ने कुछ ऐसा ही कांड किया कि वर्दी शर्मसार हो गई। दरअसल उन्होंने साबरकांठा के एक शख्स से 4 लाख रुपए की रिश्वत ली और फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक जिस शख्स से 4 लाख रुपए की रिश्वत ली गई उसे 10 लाख रुपए की रिश्वत देनी थी। ये 4 लाख रुपए उसकी पहली किश्त थी। तो वहीं इस मामले को लेकर एसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया कि एक व्यक्ति जो घर, कार या कोई भी कीमती चीज खरीदने में असमर्थ है, वो ईएमआई पर लोन ले लेता है। भ्रष्ट अधिकारी अब रिश्वत के लिए भी ये तरीका अपना रहे हैं। एसीबी के निदेशक और डीजीपी शमशेर सिंह के अनुसार ये तो बस एक छोटा सा मामला हो सकता है, क्योंकि एजेंसी केवल उन मामलों की जांच करे जो उनके जानकारी में आए। ऐसे कई मामले हो सकते हैं जो अभी तक जानकारी में नहीं आए हैं। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज़।